गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम बी ए सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने जो पिछली हमारी वीडियोज़ बनी है उसमें हमने मात्रात्मक विधियों में वर्णमात्री सम्मान रेखा विधि और बिंदु विधि इन सभी पर चर्चा कर ली है आज हम एक नई विधि अमात्रात्मक नॉन क्वांटिटेटिव मैथड के बारे में चर्चा करेंगे नॉन क्वांटिटेटिव मेथड की बात करें तो इसको आगे कई भागों में बांटा गया है जिसमें आज हम सबसे पहला इसका एक प्रकार जिसको कि कोरोक्रोमैट्रिक विधि या फिर कोरोक्रोमैट्रिक मेथड के नाम से जाना जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें अमात्र अमात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाने की तो यह है जो कोरोक्रोमैट्रिक विधि है इसकी एक सरल और लोकप्रिय विधि है इस विधि के अनुसार जो भी वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं उनको रंगारेख मानचित्र यानी कि कलर पैच मेथड रंगक मानचित्र मैप वर्ण मानचित्र कलर मैप तथा कोरोक्रोमैटिक मानचित्र यानी कि कोरोक्रोमैटिक मैप आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है अगर हम रंगों के प्रयोग के आधार पर देखें तो ये मानचित्र देखने में क्या है बहुत आकर्षण लगते हैं और इन मानचित्रों में भिन्न भिन्न तत्वों या वस्तुओं के वितरण जैसे कोई भी इसमें चीज दर्शा रहे हैं तो उसको क्या है अलग अलग रंग भर के इसमें दर्शाया जाता है जैसे कि प्राकृतिक प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र हो गया कोई भी भूमि का उपयोग हो गया भूमि के उपयोग के प्रकार हो गए भूवैज्ञानिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक वनस्पति मिट्टियों के प्रकार इत्यादि अगर मान लो कि ये सब चीज़ें हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसमें क्या है हम अलग अलग इसमें रंग भर देते हैं और उन रंग के आधार पर क्या है इस विधि को कॉरोक्रोमैटिक या फिर रंगारेख मानचित्र विधि के नाम से जाना जाता है अगर हम बात करें इस कॉरोक्रोमैटिक विधि की तो इस विधि में क्या है कि जो रंग भरे जाते हैं तो रंगों के प्रयोग की दृष्टि से इसमें क्या है इसको दो वर्गों में बांटा जाता है कि जैसे मान लो पहला अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो रंग का चयन किया जाता है यानी कि कौन से कलर भरने हैं हमें तो उसके लिए क्या है रंग के चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं अर्थात हम अपनी रुचि के अनुसार या फिर अपनी सुविधा के अनुसार अकॉर्डिंग टू भी जो हमें अच्छा लगे तो उसी के अनुसार क्या है हम अलग अलग क्षेत्रों में अपनी इच्छा से रंग भर देते हैं और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कुछ स्थान ऐसा है जिसमें क्या है भी कई रंगों का भी प्रयोग हो जाता है तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल संसार के राजनीतिक मानचित्र हो गए राज्य जनपद तहसीलें हो गई तो इनको क्या है हम अलग अलग रंगों से प्रदर्शित कर देते हैं लेकिन अगर हम इसमें सेकंड प्रकार की बात करें द्वितीय प्रकार जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जो रंग भरे जाते हैं तो इसमें रंग भरने के लिए क्या है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता होती है तो मीन्स की जो एक इंटरनेशनल मान्यता है उसके अनुसार क्या है रंग निर्धारित किए गए हैं कि किस चीज़ को कौन सा रंग दिया जाएगा तो हम उसमें वही रंग भरते हैं आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इसमें क्या है कि ये जो विधि है इसमें हम जिस भी चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं उसमें क्या है हम रंग भर के उसको अलग अलग प्रदर्शित करते हैं और फिर उसको क्या है इंडेक्स में हम रंगों को प्रदर्शित रंगों को बता देते हैं कि इस रंग का मीन्स क्या है जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मैप बना रही हूँ इसमें मान लो जैसे मैंने राजस्थान का मैप बनाया यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया और फिर मैं इसके इंडेक्स में ग्रीन कलर के में लिख दूंगी कि यहाँ पर क्या है पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है या फिर मान लो यहाँ पे मैं येलो कलर कर देती हूँ तो येलो का मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर क्या है मिट्टी जो है वो पाई जाती है तो इस प्रकार क्या है कुछ मतलब कि ऐसे मानचित्र होते हैं जिसमें हम रंग भर देते हैं तो रंग क्या है हम अपनी इच्छा के अनुसार चूज कर लेते हैं कि मैं कौन सा रंग भर रही हूँ और उसको इंडेक्स में शो कर दिया लेकिन एक इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाली विधि होती है उसमें क्या होता है कि उसमें पर्टिकुलर रंग जो दिया गया है उसका एक निर्धारण किया होता है कि इस चीज़ को दर्शाने के लिए यही रंग यूज़ किया जाएगा तो अब वो डिपेंड करता है हम पर कि हम उसमें क्या है कि कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं यानी कि हम रंग भरने के लिए स्वतंत्र हैं या फिर क्या है हम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार रंग भरते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार देखें तो इसमें जैसे जो समीपवर्ती क्षेत्र होते हैं उसमें पीला हो गया हरा हो गया और इसके साथ ही देखें नीला बैंगनी लाल रंग क्या है इन सभी को रंग भरे जाते हैं और इन सभी का क्या है प्रदर्शन किया जाता है और इसके आधार पर अगर हम देखें तो जैसे इसमें क्या है कई चीजें अः दर्शाई गई हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं आपको कि पर्वतीय क्षेत्र रहे तो दर्शा रहे हैं तो इसमें गहरा भूरा रंग भरना पड़ेगा अगर पठारी भाग दर्शा रहे हैं तो उसमें हल्का भूरा रंग भरना पड़ेगा मैदानी दर्शा रहे हैं तो उसको पीले रंग से दिर... मतलब दिखाया जाएगा और वहीं अगर मान लो आप किसी वनस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उसको ग्रीन हरे रंग से दर्शाया जाएगा घास के बारे में बात कर रहे हैं तो भी ग्रीन येलो कलर इसमें यूज होगा और वही मरूस्ट की बात कर रहे हैं स्थल या वनस्पति की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले रंग होते हैं और कभी कभी क्या होता है रंगारेख मानचित्र में केवल एक ही रंग क्या है अलग अलग शाया देकर हम उसको दर्शा देते हैं जैसे मान लो हमने एक ही कलर चूज़ कर लिया और उसमें क्या है कि हमने जो एक ही रंग चूज़ किया है उसमें मतलब कि जैसे देख लेते हैं कि किसी कि चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसको हमने थोड़ा डार्क कर दिया उसी को थोड़ा लाइट कर दिया तो मतलब कि एक ही रंग में क्या है अलग अलग छाया देकर उसको दर्शा देते हैं तो इस आधार पर क्या है कि ये कोरोक्रोमेट्रिक विधि का यूज़ किया जाता है तो ये जो शीट मैंने बनाई है इसमें क्या है कि हमने राजस्थान के सॉयल्स मिट्टीओं के बारे में दर्शाया है जो राजस्थान की मिट्टियां हैं तो आप लोगों ने क्या करना है इसको वाइट शीट पर बनाना है और इसमें जो राजस्थान का मैप है उसमें मैप बनाकर उसमें अलग अलग रंग भरने हैं और इसमें क्या है कि ये रंग बताए गए हैं पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि जो आप कॉरोक्रोमैटिक मैथड लिखोगे ये पंद्रह एम एम वाले स्टेंसिल से लिखना है और इसके बाद फिर आप लिखोगे राजस्थान मेजर सॉयल तो इसको आप क्या है दस एम mm वाले स्टेंसिल से लिखोगे नॉर्थ जरूर शो करना है मैप के ऊपर स्केल भी आपका बनेगा और फिर आप इसको जरा देख सकते हो कि कौन से कलर के लिए कौन सा ये मिट्टियाँ दर्शाई गई हैं तो जैसे मान लो कि जो मैंने येलो कलर यूज़ किया है उसमें क्या है सैंडी सॉइल है रेड है तो रेड लोमी सॉयल है वहीं अगर थोड़ा ये स्काई सा ब्लैक कलर देखें तो लाइट ग्रे कलर तो इसमें क्या है मिक्स रेड ब्लैक सॉइल्स है और ब्राउन कलर जो दर्शाया है तो उसमें ब्राउन सैंडी एल्युविलियल है और इसके अलावा क्या है ये अलग अलग रंग जो दर्शाया दर्शाए गए हैं तो इसमें मिट्टियों का प्रदर्शन किया गया है तो आई होप कि आपको ये कॉरोक्रोमैटिक विधि के बारे में पता चल गया होगा कि इसमें क्या है हमने रंग भर के इसको दर्शाना है तो आप इसको ऐसे ही मैप इसका जो है वाइट शीट पर बना लेना राजस्थान का मैप बना के उसका स्केल प्रदर्शित कर देना और जो इसके मैंने अभी आपको थ्योरी के बारे में बताया है वो लाइनदार शीट पे आपने ब्लैक पेन से काम करना है थैंक यू